सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में चल रही सीलिंग की कार्रवाई के खिलाफ कारोबारियों ने फौरन रोक लगाने की मांग की है। अपनी मांग मनवाने और सीलिंग के विरोध में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज दिल्ली बंद का ऐलान किया है। ट्रेडर्स एसोसिएशन का दावा है कि आज लाजपत नगर, सरोजनी नगर, करोल बाग समेत 2500 से ज्यादा छोटे बड़े बाजार बंद रहेंगे और 7 लाख दुकानों का शटर गिरा रहेगा। दिल्ली व्यापार बंद का आह्वान किया है सीलिंग के खिलाफ, उसमें लगभग 7 लाख से ज्यादा दुकानें बंद रहेंगी और 2500 से ज्यादा मार्केटें बंद रहेंगी। दिल्ली के हर इलाके में जितनी भी मार्केटें छोटी बड़ी हैं वो सब बंद रहेंगी और मार्केटों में धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे और अलग अलग जगहों पर पुतले जलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें बीजेपी ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कारोबारियों को सीलिंग से राहत दिलवाने का भरोसा दिया है। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बिल लाकर सीलिंग की कार्रवाई पर रोक लगाए, वरना इस तरह के बंद से कारोबार और सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इधर उधर की बात करने के बजाय 16 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में पहले दिन ही सीलिंग पर रोक लगाने का बिल लेकर के आए और उसे केंद्र सरकार को भेजे। वहीं 351 सड़कों को भी तुरंत नोटिफाई करें। दूसरी ओर केंद्र सरकार भी संसद के चालू सत्र में सीलिंग पर मॉरिटोरियम का बिल लेकर के आए और दिल्ली को सीलिंग से बचाए। एक दिन के बंद से लगभग 1800 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान होगा, जिसके कारण से राज्य सरकार को लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होगा। कमोबेश सभी राजनीतिक दल दिल्ली के कारोबारियों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग की समस्या का हल नहीं निकला तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पिछले दिनों डीडीए को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली में सीलिंग का संकट और गहरा गया है, जब प्राधिकरण ने दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन करते हुए कारोबारियों को बचाने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।